यूपी बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अपने इलाके के मौसम का ताजा हाल। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो चुका है, इसी वजह से यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर प्रायद्वीपीय मध्य और आसपास के पूर्वी भारत में सक्रिय मॉनसून की स्थिति जारी रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देश के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम व्यापक वर्षा के पैटर्न का संकेत देता है। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 10 से 11 सितंबर के दौरान ऐसे मौसम का अनुभव होने की संभावना है। कर्नाटक में शुक्रवार से 10 सितंबर के दौरान तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भी 9 और 10 सितंबर को हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही के घाटों के क्षेत्रों में 11 सितंबर तक इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मध्य भारत की बात करें तो इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम व्यापक वर्षा और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में शुक्रवार, शनिवार को तेज बारिश हो सकती है। शुक्रवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है। 9 अगस्त को वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। इस दौरान पूर्वी यूपी में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वेस्ट यूपी में भी 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने के साथ बिजली गिरने की आशंका है। श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा में तेज बारिश हो सकती है। बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मऊ, आजमगढ़ और बलिया सहित तेज बारिश वाले इलाकों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई। इन जनपदों में बिजली गिरने का अलर्ट। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊबलिया, गाजीपुर, देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के अलग अलग हिस्सों में 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। इसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसी कड़ी में किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली जिलों में बारिश की संभावना है। गया, नालंदा, नवादा जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी हुआ। आपको बता दें, जुलाई में राज्य में कम बारिश हुई है, लेकिन अगस्त की शुरुआत से ही राज्य में मौसम बदलने लगा है। एमपी मौसम विभाग की माने तो कोई सिस्टम एक्टिव न होने के चलते अगले 24 घंटों में कहीं भी तेज बारिश होने के आसार नहीं है। कुछ जिलों में बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। आज भोपाल में बादल छाए रहेंगे। इंदौर, जबलपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। ग्वालियर, उज्जैन में भी मौसम साफ रहेगा। झारखंड में लगभग हर जिले में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी पिछले 24 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। वहीं पिछले 24 घंटों में अधिक बारिश गढ़वा के भवनाथपुर में हुई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अभी ऐसा मौसम बना रहेगा और आने वाले 3 दिनों के बाद बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें UMB News। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।